एक्सरसाइज 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 में हमें एक सेट गिवन है, दैट इज सेट ए, और जिसमें हमें दो एलिमेंट्स गिवन है, 1 and -1. राइट. अब फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए. क्या फाइंड करना है हमें? ए क्रॉस ए क्रॉस ए. ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी कि थ्री सेट्स को लेके हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है, इसके एलिमेंट्स यानी कि ये सेट हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे ये हम चेक करते हैं. यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं सेट ए में. उसके बाद नेक्स्ट सेट जो है, सेकंड सेट, वो भी सेट ए है, तो उसमें भी टू एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी टू. तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स होने चाहिए 2 × 2 × 2, दैट इज 8, राइट. तो अब सबसे पहले हम एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस ए क्रॉस ए के. इसमें हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स होंगे, यानी कि हमारे पास एक जो एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा? ए बी सी टाइप का, राइट. अभी तक हम क्या कर रहे थे? ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि दो ले रहे थे, है ना, क्योंकि हमारे पास हमें ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना था या फिर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना था, मतलब हम दो सेट्स ले रहे थे. तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो एलिमेंट्स का पेयर आ रहा था. अब हमारे पास कैसे बनेंगे? ट्रिपलेट्स बनेंगे, राइट. तो देखते हैं हमारे पास कैसे एलिमेंट्स आएंगे और कौन से एलिमेंट्स आएंगे. फर्स्ट एलिमेंट में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1, उसके बाद यहाँ पर अगेन 1 और थर्ड भी 1, ठीक है, क्योंकि दोनों सेट्स, तीनों सेट्स सेम हैं, तो यही एलिमेंट्स आएंगे. अगला सेट यानी कि अगला एलिमेंट हमारा आएगा 1 -1 and -1, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इज, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एलिमेंट्स 1 -1 and 1, उसके बाद -1 1 and 1. मैंने क्या किया, -1 यहाँ पर लिया. अभी मैंने इसका जो प्लेस है वो चेंज कर दिया. थर्ड टाइम में मैं -1 यहाँ ले लेती हूँ, 1 1 and -1, राइट. अब यहाँ पर देखिए, इस एलिमेंट में मैंने 1 फर्स्ट प्लेस पे लिया था और बाकी दोनों -1. तो मैं आगे के एलिमेंट्स लिख रही हूँ -1 1, इस बार मैंने सेकंड प्लेस पे लिया है, एंड -1. ओके, हमारा अगला एलिमेंट होगा जिसमें मैं 1 का जो प्लेस है फिर से चेंज करने वाली हूँ और उसे थर्ड प्लेस पे लेने वाली हूँ, -1 -1 and 1. तो हमारे पास यहाँ कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 and 7. और मैंने अभी आपको बताया था हमारे पास 8 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि हमारे पास एक एलिमेंट अभी भी रह गया है जो हमें लिखना है. यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट मैंने लिया था उसमें हमारे पास तीनों जो एलिमेंट्स मैंने यूज़ किए थे ए के, वो थे 1 1 and 1. अब मैं यूज़ करूँगी -1 -1 and -1. ये हो गया हमारा पूरा सेट जो कि है ए क्रॉस ए क्रॉस ए. इस क्वेश्चन में हमें यही सेट फाइंड आउट करना था जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया. ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स देखे हमने कि हम कैसे लिख सकते हैं. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5.